दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूँ कि जिसमें हम एक यूजर फॉर्म बनाएंगे जो हमारा गूगल की तरह सर्च करेगा। देखिए, मैं पहले आपको यूजर फॉर्म के बारे में बता दूँ कि यूजर फॉर्म कैसे काम करेगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ डी ए, तो ये उसी तरह से सर्च करेगा, ए बी डी ई एफ जी एच, जो भी आप अक्षर इसमें लिखेंगे उसी का डेटा फाइंड करेगा। ये जो हमारा यहाँ पे क्लाइंट की लिस्ट आ रही है, तो इसको हमें कैसे करना है ये आपने बिल्कुल देखना है आखिरी तक, वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं हमारे, तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले और वीडियो आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक कर दें और इसको आप शेयर कर लें दोस्तों में। चलिए शुरू करते हैं। इस यूजर फॉर्म को बनाने के लिए हमें एक हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ली है, तो बैकग्राउंड इमेज आपके पास होनी चाहिए। फिलहाल मैं बैकग्राउंड इमेज को छोड़ के और हम इसको बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। ये हमारा एक्सेल है। एक्सेल खोलने के बाद सबसे पहले आपने करना यह है ऑल्ट के साथ F11 प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक विजुअल बेसिक का विंडो आ जाएगी। अगर आप इसको पहले से जानते हैं, विजुअल बेसिक के पहले से सीखते हैं, तो आपके लिए कोई इसमें समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार विजुअल बेसिक जानना चाह रहे हैं या शुरू करना चाह रहे हैं, तो ये यूज़र फॉर्म में हमें विजुअल बेसिक में आना है। चलिए, अब इंसर्ट करेंगे हम यूज़र फॉर्म। जब हम यूज़र फॉर्म इंसर्ट करेंगे तो इसको यूज़र फॉर्म को आपने इस तरह से जितना साइज आपने रखना है बड़ा करना है। अगर आप इसके पीछे कोई बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो पिक्चर लगाने के लिए इसमें क्लिक करने के बाद एक पिक्चर का ऑप्शन होगा। यहाँ से आपने जो पिक्चर आपने लगानी है वो लगा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास डेस्कटॉप में एक पिक्चर है, जैसे कि बैकग्राउंड के नाम से। यहाँ पे ये मैंने पिक्चर ली है। ये आपने सिंपल पिक्चर ओपन करनी है। जैसे आप ओपन करेंगे तो इसका साइज जो है, यहाँ से पिक्चर साइज मोड, यहाँ से हम स्ट्रेच कर देंगे इसको, यानी कि वो इस तरीके से आपका मतलब फिट हो जाएगी पूरे आपके यूजर फॉर्म में। अच्छा, इसके बाद हमने करना ये है, ये इसके टूल बॉक्स हैं, और टूल बॉक्स में ये देखेंगे आप, ये टूल बॉक्स है और ये हमारा यूजर फॉर्म है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये हमारी शीट वगैरह। यहां से हम ले लेते हैं एक लेवल, लेवल ले लिया हमने, इसको यहाँ से कर लिया ट्रांसपेरेंट, और इसका कलर कर लिया वाइट, और साइज कर लिया इसका 16। यहाँ पे लिख देंगे हम सर्च। अब सर्च करने के लिए हमें इसमें एक चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। ये है ए बी वाला जो है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हमने इसके अंदर रखना है, और ये यहाँ रख लिया। और इसकी जो हाइट है वो 26 कर लिया, 28 कर ली, तो ये इस तरह से दिख रहा है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका बॉर्डर स्टाइल कर लेंगे सिंगल, और यहाँ से कलर कर लेंगे वाइट, तो उसके अंदर छुप जाएगा। इसके बाद एक हम लेंगे यहाँ से लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स को इसी तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। लिस्ट बॉक्स का कलर जो कर लेंगे, ये हम मिला लेंगे बिल्कुल सेम कलर इसकी तरह। यहाँ से ले लेते हैं हम ये कलर, बल्कि ये कलर, तो ये आ गया। इसको हम कर लेते हैं सेम कलर में हमने उसको मैच कर लिया। तो इस लिस्ट बॉक्स का जो नाम है वो है लिस्ट बॉक्स 1, और इस टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है वो है टेक्स्ट बॉक्स 1। तो इन दो पे हमने प्रोग्रामिंग करनी है। पहली बात तो दोनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेंगे, और इनका फॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जैसे हम कर लेते हैं 14 साइज, ओके कर लेते हैं।
अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम चलते हैं अपनी शीट में। शीट में सबसे पहले हम जहाँ से डाटा फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो ये हमारी शीट नंबर 2 है और यहाँ पे कुछ बंदों के नाम लिखे हैं, ये लगभग 1000 नाम के आसपास है, 1000 से ज़्यादा ही है, 1400-1500 नाम है। अब हमने इन सब नाम में से ही वो डाटा निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर ये वाला सेल ले लेंगे और एक हम यहाँ पर ये वाला सेल ले लेंगे। तो दो जगह हमने ये ले लिया क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एडवांस फिल्टर। तो एडवांस फिल्टर हम यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें एडवांस फिल्टर यूज़ करने के लिए हमारा होगा क्या कि यहाँ से जो हम सर्च करेंगे वो सर्च करेंगे जो हम डाटा, तो ये डाटा को सर्च करके यहाँ पे लेकर आएगा और सर्च का जो क्राइटेरिया होगा वो ये होगा। तो इसके लिए हम क्या प्रोग्रामिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ए ए लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पे उसका ए वाले जितने भी होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब फिलहाल हम यहाँ पे एक कुछ नाम ले लेते हैं ऐसी, और इसका पहले रखते हैं हम एक, हम आ जाते हैं इसमें फॉर्मूला में, यहाँ से आते हैं हम नेम मैनेजर। पहला काम क्या है, हमें यहाँ पे हमें नाम रखना है, जैसे डाटाबेस या डाटा वन कर लिया, अब यहाँ पे हमने लिया बराबर ऑफसेट ब्रैकेट ये वाला सेल कोमा वन, यानी इससे नीचे एक रॉ, कॉलम नंबर 0 यानी सेम कॉलम, कोमा काउंटा, काउंटा का मतलब ये होगा यहाँ से लेके पूरे कॉलम को गिनेगा, यानी जैसे इसमें 3 हैं -1, क्योंकि तो एक तो उसमें हेडिंग है उसको माइनस कर लेंगे, कोमा कितने कॉलम चाहिए 1, ये हम यहाँ से इसको पहले तो हमने ये बना दिया। तो इससे क्या होगा कि ये इतना ही एरिया सर्च करेगा जितना डेटा होगा। अच्छा, इसके बाद ये है हमारा C2 और ये है हमारा, अब हम ये है हमारी शीट 2। तो हम यूज़र फॉर्म में चलते हैं, ये जो हमारा इस टेक्स्ट बॉक्स है, क्योंकि जब हम टेक्स्ट बॉक्स में बदलेंगे तभी जाके वो आंसर यहाँ पे देगा, तो टेक्स्ट बॉक्स में डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1, या पहले लिखेंगे हम C2 की रेंज और आपका C2 डॉट वैल्यू बराबर मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, यानी जो भी हम यहाँ पे लिखें, पहली बार तो हमने जैसे यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हो जा रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से फिल्टर करेंगे, तो हम इसमें डबल क्लिक करेंगे। अब हमने लेना यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन लेना है, देखिए फिल्टर के ऑप्शन में मैं इसका जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते। अब हमने करना यह है, यहाँ पे हमें एक कोडिंग करनी है, कैसे करेंगे हम, C2 की रेंज, अब C2 की रेंज जो ये वाली है ए कॉलम वाली, फिलहाल हम ले लेते हैं A1 से, अब इसको 1 से ही लेना पड़ेगा और A2000 तक ले गया। डॉट एडवांस फिल्टर, एडवांस फिल्टर करने के बाद एक्शन लिखेंगे आप एक्सेल कॉपी, यानी इसका एक्शन जो है एक्सेल कॉपी स्पेस अंडर स्कोर लगा के एंटर मार दें, तो क्या होगा वो दूसरी लाइन से आ जाएगा। अब इसके बाद कर लेंगे हम कॉपी या फिर क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज हो गई हमारी C2 की, C1 से C2, C2 की रेंज C1 से C2 कोमा, अब इसमें कॉपी टू रेंज, कॉपी हो गई रेंज C1 की रेंज E1 कोमा यूनिक बराबर फॉल्स। तो आपने देखा ये हमने यहाँ पे कोड लिख लिया। अब इस कोड से क्या होगा, जैसे मैं आपको इसको एक बार चला के दिखाता हूँ, फिलहाल मैंने यहाँ पे ये लिखा, और
यहाँ पे हमने शीट टू लेना है। तो आप देखेंगे जैसे हम यहाँ ए लिखेंगे तो ए वाले नाम आपने देखा सारे यहाँ पे आ गए। आप ये देख रहे हैं कि ए भी यहाँ लिखा है और यहाँ से इसने फाइंड किया और यहाँ दिखा दिया हमें ए बी वाले जितने भी। अब ये हो चुका है हमारा। अब हमें ये जो हमारा डेटा है इस डेटा को इसमें लेके आना है टेक्स्ट लिस्ट बॉक्स में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ शीट टू डॉट या लेन ले लेंगे पहले फॉर्मूला शीट टू डॉट रेंज। अब ये हम क्यों ले रहे हैं, अगर हम चाह रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई डाटा फाउंड ही नहीं गया उसमें। तो हम ये ले लेंगे इफ शीट टू की रेंज ई टू मोर देन जीरो देन इसमें हम एक ब्रैकेट और लगा लेते हैं। इफ शीट टू की रेंज ई टू मोर देन जीरो देन तब क्या हो, लिस्ट बॉक्स वन डॉट रो सोर्स बराबर डाटा वन, यानी लिस्ट बॉक्स की जो रो है सोर्स जो है उसमें जो डाटा आए वो डाटा वन के नाम से आ जाए जो कि हमने नाम रखा था। एल्स लिस्ट बॉक्स वन डॉट रो सोर्स बराबर कुछ नहीं एंड बस इतना ही कोड आपने लिखना है और ये वीडियो आपका ओके हो चुका है। अब आप चाहें तो नीचे का फॉन्ट कलर हम और सेट कर लेते हैं। अब इसमें हमने करना ये है, ये हमारा काम हो चुका है, सिर्फ यहाँ से आपने इसका फॉन्ट कलर वाइट करना है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कुंदन, कुंदन के नाम से आ गए अमित अमन रमन रमेश सतीश अनु, तो ये सब नाम इसने फाउंड कर लिए और अब जब आप फाउंड कुछ नहीं लिखा होगा तो ओवरऑल जितने भी होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पहली बार देखा है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का लिंक इस जो फाइल का प्रैक्टिस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।